गुरिया मंडी दुकानदारों के सामने बेबस मंडी प्रशासन, 1 करोड़ वसूलने कई सालों से दे रहे सिर्फ नोटिस। आरटीआई के तहत जानकारी देने के पहले वसूले 2000, कई माह बीतने के बाद भी नहीं दी आवेदक को जानकारी। दीपावली के लिए मिलेंगे इको फ्रेंडली गोबर के लक्ष्मी गणेश, जिला पंचायत में लगाए जाएंगे स्टॉल। सीसीएफ ने दक्षिणपुर मंडल की बैठक में दिए वन सुरक्षा के निर्देश, मौजूद रहे डीएफओ एसडीओ सहित डिवीजन के अधिकारी। और आबकारी विभाग के संयुक्त अमले ने जब्त की भारी मात्रा में हुआ लाहन, चौरे क्षेत्र के 6 गांवों में किया गया था सघन जांच अभियान। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कुसमैली मंडी अंतर्गत गुरैया सब्जी मंडी की 68 दुकानें किराए पर चल रही हैं, लेकिन इन दुकानों से मंडी को 1 भी रुपया किराया नहीं मिल रहा है। प्रबंधन और प्रशासन लचर इतना कि सिर्फ नोटिस खेलकर अपने कर्तव्य की तिशी कर ली जाती है। हाल ही में प्रभारी मंडी सचिव एसडी अहिरवार ने 7 दिन पहले 68 दुकानदारों को किराया चुकाने के लिए नोटिस दिया था। अब 7 दिन का समय समाप्त हो चुका है, दुकानदारों को इन नोटिसों से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके पूर्व भी पूर्व सचिव अशोक डहरिया ने भी इन दुकानदारों को नोटिस दिया था, तब उम्मीद थी कि कुछ होगा, लेकिन ना तो तब हुआ और ना ही अब हो रहा है। मंडी प्रशासन के 1.5 करोड़ रुपए ऐसे दुकानदार दावे हुए हैं जो सब्जी व्यापार के अलावा दूसरे बहुधंधों में संलग्न है, लेकिन प्रशासन इसके आगे बेबस है। तो वहाँ 69 ही दुकान बनी हुई है और व्यापारी 200 कुछ ऊपर व्यापारी, कुछ नए व्यापारी भी हैं, उनका व्यवस्थापन अब बात हुई है, जो हमारे बाहर साधक अधिकारी है उचित व्यवस्थापन, जो पुराने जो अभी तक दलाल हैं जो वर्किंग कर रहे हैं उनका व्यवस्थापन करते हैं, तो फिर हम उनकी नई जगह पर आवंटन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन ने तो अपना काम निकाला, उन्होंने दुकान निकाली, उन्होंने भेज दी, वो दुकानें एक्चुअल में पहले ही बिक चुकी थी। 39 दुकानें हैं लेकिन टेंडर 69 का हुआ है, 68 का, 69 टोटल है और 68 का एक दुकान जो अभी बिकी नहीं थी अपनी, वो खाली है, जिसके बारे में अपन अभी कुछ नहीं कह सकते, खाली है नहीं खाली है। आपके नोटिस के बाद भी किराया नहीं आया, तो इसमें क्या माने कि दुकानदारों को कोई डर ही नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, डर तो है दुकानदारों को, लेकिन क्या है कि अभी कोरोना का चल रहा है बहुत ज़्यादा, और इससे हिसाब से छुट्टियां भी रही है, मार्केट बंद भी रहा है, तो व्यापारियों का भी काम धाम ठंडा ही सा चल रहा है, ज़्यादा उतना नहीं है, तो हो सकता व्यापारियों की अब मीटिंग भी ले हैं भारत साधक अधिकारी के सामने, और मीटिंग में यदि जो भी और क्रिया प्रतिक्रिया होती है इस संबंध में और जानकारी मिल जाएगी। जानकारी देने के लिए सचिव ने पहले ही 2000 रुपए वसूल लिए, लेकिन सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी कई महीनों बीतने के बाद भी नहीं दी। जुनारदेव जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बदनूर नवेगांव में सूचना के अधिकार कपिल यदुवंशी और दिनेश यदुवंशी ने ग्राम पंचायत बदनूर में तालाब निर्माण, नल जल योजना और रिप्टा पुलिया निर्माण के आय व्यय और मास्टर रोल की जानकारी मांगी थी, जिसे ग्राम पंचायत सचिव ने अब तक उपलब्ध नहीं कराई, जिसकी शिकायत गुरुवार को जुन्नारदेव जनपद पंचायत सीईओ से की गई। सूचना का अधिकार के तहत 1.25 महीना पहले आवेदन किया था, जिसमें से उन्होंने हमें 2000 रुपये की राशि जमा करवाने के लिए नोटिस दिया तथा 9/10/2020 को, तथा 10/10/2020 को 2000 रुपये जमा किया गया, जिसमें से सचिव ने आज तक मतलब कोई उसके फोटोकॉपी नहीं दी गई, तथा इसी संबंध में हमने 16/10/2020 को जनपद पंचायत में सूचना के अधिकार का दोबारा आवेदन दिया गया। इस संबंध में हम जनपद पंचायत से मतलब फिर से कि रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे आए हुए। मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्व सहायता समूह द्वारा दीपावली के अवसर पर गोबर से बने हुए उत्पाद जैसे श्री गणेश, लक्ष्मी, दीपक शुभ लाभ मिलेंगे। ये उत्पाद पर्यावरण के साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद हैं। इन उत्पादों के लिए मध्य प्रदेश डे आजीविका रूरल मार्ट छिंदवाड़ा की जिला पंचायत परिसर के पास स्थित दुकान से लिया जा सकता है, जिन्हें बाद में गमले में भी विसर्जित किया जा सकता है। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने बताया कि गौवंश के गोबर से बने हुए उत्पाद न केवल गौशाला को स्वावलंबी बनाते हैं बल्कि पर्यावरण को शुद्ध भी करते हैं। सीसीएफ के भारद्वाज ने आज दक्षिण वन मंडल की बैठक लेते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारियों को वन सुरक्षा के संबंध में दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीएफओ साहिल गर्ग, एसडीओ एके महाले, एसडीओ बी आर सिरसाम सहित डिवीजन के समस्त वन परिक्षेत्र अधिकारी मौजूद थे।
आबकारी विभाग के संयुक्त अमले ने पलटवाड़ा, भूला, मोखेड़, खकरा, चौरई, बारा, बरियारी, धनौरा और कानाटोला के आसपास ऐसे जंगलों, नालों और डैम के किनारों पर सघन जांच अभियान में 8 प्रकरण दर्ज कर 3400 किलो महुआ लाहन और कानाटोला से 5 लीटर हाथभट्टी शराब बरामद की है। इस कार्रवाई के दौरान एडीईओ अमिताभ त्रिपाठी, बीएल उइके और उमेश मिश्रा सहित अन्य आबकारी कर्मी शामिल रहे। कोरोना वायरस को लेकर गुरुवार को आई सैंपलों की रिपोर्ट में 7 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद जिले में कुल संख्या 1854 हो चुकी है। गौरतलब है कि करीब आधा दर्जन मरीजों की उपचार के बाद छुट्टी होने से आइसोलेशन में एक ही की बढ़त हुई है। कुल 71 व्यक्ति हॉस्पिटल आइसोलेटेड हैं। स्वास्थ्य विभाग के मीडिया बुलेटिन के अनुसार 37 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1746 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। फिलहाल 418 सैंपलों की रिपोर्ट आने का इंतजार है। वार्ड में पाइपलाइन बिछाने के बाद भी हैंडपंप और कुएं से ही पानी लेना पड़ रहा है। जुन्नारदेव ग्राम पंचायत पनारा के वार्ड 19 और 20 के वार्डवासियों को शासन की पेयजल योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत में ना तो ठीक से सड़कें हैं और ना ही सड़कों से स्ट्रीट लाइन लगी हुई है। परेशान होकर ग्रामीणों ने शिकायत सरपंच से की है। वार्ड नंबर 20 में आज तक पाइपलाइन डल गई है। पाइपलाइन डले हुए 2 साल हो गए, लेकिन पाइपलाइन के लिए अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और सबसे मेन चीज, जितने व्यक्ति है यहाँ पर, एक हेडपंप है और एक हेडपंप के पीछे घंटों घंटे नंबर लगा करके खड़े रहना पड़ता है। पंचायत वालों के पास जाते हैं तो बस हो जाएगा इतना बस बोलते हैं, बाकी कुछ होता नहीं। एक हेडपंप के पीछे काम धंधा छोड़ के घंटों घंटे खड़े रहना पड़ता है, दिन दिन भर खड़े रहना पड़ता है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सत्यम शिवम कॉलोनी, रघुवर शिपुरम और ओम आदित्य धाम की अपार सफलता के बाद 30 वर्षों से कॉलोनी विकास का अनुभव प्राप्त श्री सी बी सूर्यवंशी हनी बिल्डर्स एक बार फिर लेकर आए हैं छिंदवाड़ा शहर के भविष्य। न्यू छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर शहर की पॉश लोकेशन पर कीमत मात्र 25 लाख रुपए से शुरू। संपर्क करें शिव आदित्य रेसिडेंसी, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। कॉन्टैक्ट अस 9827202886, 9406725346। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिला परियोजना समन्वयक जीएल साहू ने जन शिक्षकों की बैठक में जन शिक्षा केंद्रवार निष्ठा प्रशिक्षण की जानकारी लेते हुए जनपद शिक्षा केंद्र मोहखेड़ में बीआरसी बीएसी जन शिक्षक की समीक्षा लेते हुए संतोष जाहिर किया। उन्होंने बताया कि सभी शिक्षकों के पंजीयन से छिंदवाड़ा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहेगा। समीक्षा बैठक में विकासखंड स्त्रोत समन्वयक शशि कुमार वाहने, बीएसी अरविंद भट्ट, मनोज कोलारे, दिनेश खापरे, छिंदवाड़ा जन शिक्षक कुलदीप मुखलगाय विशेष रूप से उपस्थित रहे। डीपीसी साहू ने मोहल्ला क्लास की मॉनिटरिंग के लिए जन शिक्षकों को निर्देशित भी किया। मुखेड़ विकासखंड में जन शिक्षकों की बैठक ली गई, जिसमें हमारा मुख्य रूप से निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए चल रहा है। इसमें सभी जन शिक्षकों ने बताया कि विकासखंड मुखेड़ के सभी शिक्षकों ने अपना पंजीयन करा लिया है और लगभग जिले में मुखेड़ ही ऐसा विकासखंड है जिसमें जो गतिविधियों में हमेशा बढ़ रहा है। और आज की स्थिति में हमारे पूरे जिले का पंजीयन 100% हो चुका है और हमारे कलेक्टर श्री सौर शर्मन द्वारा लगातार समीक्षा करने के कारण जब निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ, उसी दिन से उनके द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है और परिणाम स्वरूप हमारा जिला हमेशा बढ़ रहा है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जिला 100% पेंजी के साथ 100% प्रशिक्षण प्राप्त कर ले और प्रथम स्थान रहे। जिला खनिज राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में चांद तहसील के ग्राम सिरस में 300 घनमीटर लावारिश खनिज रेत जब्त की गई। जिला खनिज अधिकारी मनीष पालेवार और चौरई एसडीएम सीपी पटेल के निर्देश पर जांच दल में शामिल नायब तहसीलदार आशीष उपाध्याय, खनिज निरीक्षक विवेकानंद यादव और स्वाति ठाकुर सहित चांद थाना प्रभारी दीपक डहरिया ने अज्ञात लोगों द्वारा डंप की गई रेत को जब्त कर ग्राम कोटवार बसंत ढोके के सुपुर्द कर दिया है। चौड़ा बाबा मंदिर क्षेत्र में एक महिला की जलने से मृत्यु के बाद उसके 3 बच्चों के लिए समाजसेवी किरण सोनी ने खाद्य सामग्री, किराना सामान सहित कपड़े, मिठाई और अन्य जरूरी चीजों की व्यवस्था की। उन्होंने बताया कि मां की मौत के बाद पिता के जेल में होने की वजह से छोटे छोटे बच्चे दादी के साथ तंगी में गुजर बसर कर रहे हैं। विगत 1 माह पहले यहाँ श्रीमती गीता दादी शायद वो जल के खत्म हो गई है और उनके पति जेल में है। 3 बच्चे हैं ये, 3 साल, 7 साल और करीब 9-10 साल। ये अपनी बहुत वृद्ध दादी माँ के पास है। 1 माह से इनको अभी तक शासन से कोई मदद नहीं मिली और मेरे पास खबर पहुंची कि अभी इनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, बच्चों के खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। हालांकि मैंने महिला बाल विकास अधिकारी मोनिका बेसेन के पास इनका डिटेल भेजी हूँ, हो सकता है शासन की मदद मिलने में टाइम मिले
मेरा प्रयास है कि इनको शासन से यदि कोई अच्छी मदद मिल जाती है तो इनके लंबे समय की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन फिलहाल जब तक शासन की मदद नहीं मिल रही है तब तक इनके खाने पीने की समस्या बहुत ज़्यादा जटिल हो रही थी। तो तुरंत मैं अभी कुछ खाने पीने का सामान और बच्चों के पहनने के कपड़े लेके मैं आई हूँ, आगे भी और व्यवस्था करूँगी और शासन से साथ ही समाज सेवियों से उम्मीद करूँगी कि इनकी यदि आप प्रयास कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। पूर्व नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी और पूर्व मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा ने बताया कि किसानी को लाभ का धंधा बनाने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर पूरे भारत में सभी प्रदेशों में किसान रेल शुरू की गई, जिसका श्रेय हमेशा की तरह कांग्रेस लेने का प्रयास कर रही है और किसान रेल को अपना प्रयास बता रही है। उन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा नागपुर रेल लाइन का सर्वे का भूमि पूजन 10 नवंबर 1997 में नागपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व छिंदवाड़ा सांसद सुंदरलाल पटवा द्वारा किया गया था। 2014 से 2020 तक छिंदवाड़ा नागपुर ब्रॉडगेज को लगभग 1300 करोड़ रुपए मोदी सरकार द्वारा आवंटित किए गए थे। आज उसी पर चलकर किसान रेल अपनी सफलता की कहानी कह रही है। छोटा तालाब लाल बहादुर शास्त्री पार्क के पास लाल बाग रोड मोड़ के पास बनाई जा रही पुलिया का काम इन दिनों बंद है। इस काम को पूरा नहीं कराए जाने के कारण आवागमन में परेशानी तो हो ही रही है, साथ ही दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ है। आपको बता दें कि इसमें पहले भी एक कार अंदर घुस चुकी है। पंजीयन के आधार पर सीसीआई खरीदी करें, किसानों के साथ अभद्रता ना हो, पीटी व्यापारियों और दलालों पर नकेल कसने सहित आदि मुद्दों पर आज सौंसर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कृषि उपज मंडी सभागृह में तहसीलदार डॉक्टर राजा भूषण शुक्ला और मंडी सचिव नीतू उइके के साथ बैठक की। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पूनाराम बाविष्टाले, पूर्व कृषि उपज मंडी अध्यक्ष अशोक चौधरी, भागवतराव महाजन, डॉक्टर राजेंद्र यमदे, केशव बोडे, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अतुल जुननकर आदि मौजूद रहे। ये भी मैंने ही उसको मैंने कोई एक में कोई नहीं है, ये भी बात है। गोविंदवाड़ी से देवगढ़ जाने वाले रोड में विजकगढ़ गांव के पास का पुलिया 2 महीने पहले तेज बारिश के कारण टूट गया था, लेकिन अभी भी पुलिया टूटी फूटी ही है, जिससे आने जाने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नगर सुरक्षा समिति सदस्य प्रकाश तुमडाम ने बताया कि रात के अंधेरे में कई लोग गिर कर चोटिल हो रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।